यहाँ पे क्या काम करते हो भाई? क्या काम करते हो यहाँ पे? हाँ, मारीज वार्ड देख रहे थे ना यहाँ पे। ऑटो रिक्शा में क्यों बैठे हो भाई? ऑटो रिक्शा में आप क्यों बैठे हो? और दोनों कहाँ पे गए? तुम भी यहाँ पे आओ। हाँ, रसीद बना रहे हो? ऑटो रिक्शा के अंदर क्यों बैठे हो? आपका नाम क्या है? निकुंज। एल आर निकुंज। यहाँ पे कोई आपका हेड है यहाँ पे अभी? कहाँ पे हो? बुलाइए उनको। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? ओके, आप जमादार है? आपका नाम बोलिए। नाम क्या है आपका? चौधरी, लिखा है ना जरा आपका नाम? विजय भाई चौधरी, बक्कल नंबर 1177। आप ऑटो रिक्शा में यहाँ पे रोज क्या करते हो? रोज खड़े रहते हैं ना यही ऑटो रिक्शा में? आपके पास कितने पैसे मांगे? एक मिनट। ओके, और ये रोज खड़े रहते हैं ना ऑटो रिक्शा में, आप ऑटो रिक्शा में क्यों खड़े रहते हो? एक और साइड से हाजी वर्दी में। हाँ, जवाब दीजिए। आपको पूछा, ये सरकारी मिलकत है, आपको ऑटो रिक्शा मिली है दंड वसूलने के लिए? तो ऐसे ही बैठा, मैंने किसी को रोका नहीं है। अंदर ये सब कागजात भी पड़े है, ठीक है? और ये ऑटो रिक्शा में यहाँ पे रोज खड़े रहते हैं दल्ला, वो कहाँ गए आपके? वो जो यूनिफॉर्म बिना या यूनिफॉर्म के यहाँ पे तीन चार आपके दल्ले थे, वो कहाँ पे गए? और वो भाग गए ना सभी? हाँ, ये यहाँ के लोकल है, वो यहाँ पे लोकल है। पर ये क्यों भैया यहाँ पे ऑटो रिक्शा में क्यों बैठते हो? आप ऑटो रिक्शा में क्यों बैठते हैं? आपको सरकारी वाहन नहीं दिया गया? हाँ, आप ऑटो रिक्शा में क्यों खड़े रहते हो ऐसा पूछा मैंने आपसे? क्या? हाँ, तो ऑटो रिक्शा दिए आपने? सरकार ने आपको ऑटो रिक्शा दिए? हाँ, जवाब दीजिए। आपके डीसीपी को फोन करते, रुकिए आप। हमने कीधु बधू कागड़िया कम्प्लीट, मैं जवाब दियो, हूँ धंधे निकलो। आपके डीसीपी को फोन करते अभी। डीसीपी ट्रैफिक अमिता वानानी को हम अभी फोन करते हैं। अमिता मैडम है अभी डीसीपी में, ट्रैफिक में। इनको फोन किया है हमने अभी। एरिया कौन सा है? गोडादरा में। क्या एरिया? एक ओके, अभी हमने डीसीपी ट्रैफिक को फोन लगा। हर बार होता है ऐसा ही, जाए जनता को लूटा जाता है, और जब इनके ऊपरी अधिकारी को हम फोन करते हैं, उनको कभी भी फोन उठाना नहीं है। एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं सभी। कभी भी मैंने लाइव से कभी भी इनके ऊपरी अधिकारी को फोन किया है, एक ने भी कभी भी फोन नहीं उठाया। आपके एसीपी कौन है? मोरी है। कौन सा रीजन लगता है यहाँ पे? रीजन 1 परमार साहब लगते है ना यहाँ पे? परमार साहब का नंबर दीजिए मुझे। आपके पास नंबर नहीं है? इनके पास इनके ऊपरी का नंबर नहीं है। इनके स्टाफ में से 2 आदमी गायब है। और ये जो 2 आपके साथ खड़े रहते हैं वो कौन है? नहीं, मैं वीडियो दिखाता हूँ। चलो ओके आपको वीडियो दिखाते हो। आप कहते हैं ना कोई नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं आता। आपसे क्या बात करनी, आप ही इंचार्ज हो ना, आपको ही दिखाता हूँ। ए भाई, जो ये लोग है, ये जो सब टेम्पा वालों को रोकते है और ये जो इंक्वायरी करते है, ये जो 2 वो कहाँ पे गए अभी? ये जो 2 खड़े है वो कहाँ पे गए? हाँ, आपके साथ तो ऑटो में क्यों खड़ा था? एक बिल्कुल सादा आदमी था। आप एक कैमरा ऑन रखते हो? हाँ, बेटा ही था। तो कैमरा आपको किस लिए दिया गया है? एक करोड़ों के टैक्स के पैसों से हम आपको दिया है, हमारा टैक्स के पैसों से आपको दिया है। किस लिए दिया गया है? हमारी सेफ्टी के लिए दिया गया है। ऑटो रिक्शा में बैठ के दलाली करने के लिए नहीं दिया है आपको? ये तीनों यहाँ पे, मुझे 4 दिन से कंप्लेन आ रही है कि आप 4 दिन से यहाँ पे ऑटो लेके खड़े रहते हो। लोगों ईमानदारी से वो टेम्पा वाले पैसा कमाते हैं और आपको 100-200 रुपए की तोड़ पानी करनी है।
ये सभी का काम। यहाँ पे घोड़ोदरा विस्तार में अभी आया हूँ मैं, और घोड़ोदरा विस्तार के अंदर महाराणा प्रताप चौक के आगे मिडल स्क्वायर के हाँ पिछले हिस्से में ये लोग ऑटो रिक्शा लेके खड़े रहते हैं। ये ऑटो रिक्शा का नंबर है और रोज यही ऑटो रिक्शा के अंदर खड़े रहते हैं। ये डॉक्यूमेंट है सीआरपीसी का, ये सब कागज ऐसे ही रखते खड़े। इनके पास चालान बुक नहीं है, हाँ आपको वो भी बता दूं, इनके पास अंदर एक भी चालान बुक नहीं है, लेकिन ये ट्रैफिक चालान के लिए खड़े रह जाते हैं। आपके एसीपी को फोन तो लगाइए, परमार साहब को फोन तो लगाइए कि हम प्राइवेट ऑटो रिक्शा में बैठते हैं रोज। रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने वाला एरिया उनका उनका काम बिल्डिंग है रहने की। सुनिए, इनके घर में से आप तो कल जाओगे चोरी भी करके ला सकते हैं। सुनिए 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 सुनिए, उनका काम सभी बहस मत करो, इनका इनका काम है हफ्ता वसूली करना। क्या है सुनिए, हाँ तो ये हफ्ता वसूली होती है। बहस मत करो, उनके साथ बहस मत करियो, ठीक है। आपको जो भी दिक्कत हो ना मुझे बोलिए, वो नंबर मैं दूंगा आपको, एंड में ले लेना मेरे पास, यहाँ से ही मुझे फोन आते हैं। और होम मिनिस्टर, एक मिनट भाई, होम मिनिस्टर श्री जी, होम मिनिस्टर श्री से एक निवेदन है मेरा, हर बार इस हफ्ताखोरी को हम एक्सपोज करते हैं और हर बार रिजल्ट क्या आता है, कुछ नहीं। पहले भी मैंने हफ्ताखोरी को एक्सपोज किया था, तब मेरे ऊपर अटैक हुआ था, और फिर इन लोगों ने 4 महीने के लिए हफ्ताखोरी बंद रखी, और फिर अब से वापिस से ये प्राइवेट ऑटो रिक्शा में खड़े रहते हैं। तीन तीन चार उनके दल्ले होते हैं जो टीआरबी में होते हैं, यूनिफॉर्म नहीं पहनते, मैं वापिस से कह रहा हूँ, वो टीआरबी में होते हैं, यूनिफॉर्म नहीं पहनते, और ये पुलिस वालों के साथ में खड़े रहते हैं, और जो भी ये टेम्पो चालक है उनके पास से 100, 200, 500 का हफ्ता लेते हैं। अगर हफ्ता दे तो ठीक है, अगर हफ्ता नहीं देते तो फिर उनका कड़क कलमों में चालान बनाते हैं, टेम्पो डिटेन कर लेते हैं, या फिर इनके डायरी में एंट्री लगवा दो, फिक्स हफ्ता करवाओ, वीकली 200, 500, 1000, 2000 का। हाँ, अगर डायरी में एंट्री ना हो तो फिर इनका जो टेम्पो है उसको जमा कर लेते हैं, डायरी में एंट्री करवाओ, फिर तुम ओवरलोड में गाड़ी चलाओ, किसी को भी कुचल दो, सब कुछ चलेगा। लेकिन अगर डायरी में एंट्री नहीं है और सभी कानून का पालन किया है आपने, तो भी आपकी गाड़ी डिटेन होगी किसी भी किसी ना का कानून के अंतर्गत। सुनिए सुनिए, सामने रिक्शा में बैठने की जरूरत क्यों पड़ती है? सरकारी वाहन है ऑटो रिक्शा, हाँ आप ऑटो रिक्शा में क्यों बैठते हो? ना ही इनके पास कहाँ पे चालान बुक, कहाँ पे चालान बुक दिखाइए मुझे। चालान बुक दिखाइए मुझे, आप चालान बुक लेके बैठते हो ना? ये है वो बुक जिसमें एंट्री लगती है, चलान बुक दिखाइए मुझे। चलान बुक अंदर पड़ी है, लेकिन अभी तक आपने सुबह से अभी तक कितने चलान किए? कितना फाइट है आज, कितने चलान किए आपने, गिन के बताइए कितने चलान हुए आज। आज तारीख है 21, एक दो तीन और चार, चार चालान। हाँ आप अभी का कितने घंटे से यहाँ पे? हाँ चार। इन भाई साहब ने, सुनिए एक कॉमेडी की चीज आपको बताता हूँ, इन भाई साहब ने 3 घंटे से सिर्फ 8 ही चालान बनाए, और यहाँ पे टेम्पो अगर रेकी की गई ना तो यहाँ पे टेम्पो कम से कम 50 से ज्यादा रोके गए, तो बाकी के पैसे कहाँ गए? या तो डायरी में एंट्री लगी या जेब में गए। मेरा कहने का मतलब ये, जो भी कानून का उल्लंघन करे, वो टेम्पो चालक और टू व्हीलर चालक कोई भी हो, उसको चालान होना चाहिए, लेकिन वो चालान की अमाउंट सरकार की तिजोरी में जानी चाहिए, ना कि इनकी जेब में जानी चाहिए।
इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं, इतने लोग, और सभी को पता है कि यहाँ पे हफ्ताखोरी चलती है। किसको नहीं पता है कि यहाँ हफ्ता, सबको पता है, सबको पता है कि यहाँ हफ्ताखोरी चलती है। बस किसको नहीं पता, तो कि इनके ऊपरी अधिकारी है उनको नहीं पता, जो डीसीपी है वो फोन नहीं उठाते, सीपी को रजूआत करो तो कुछ होता नहीं है, होम मिनिस्टर वीडियो देखते हैं नहीं देखते हमें पता नहीं, अगर देखते हैं तो कार्यवाही कीजिए। ये वीडियो बनाना हमारा काम नहीं है, वीडियो के ऊपर अगर कार्यवाही नहीं होती तो ये लड़ने का क्या मतलब है? तो फिर कल फिर से इन लोगों का एक दो महीने यहाँ पे बंद रहेगा, दो महीने के बाद ये फिर से चालू कर देंगे सभी हफ्ताखोरी। इनका काम ट्रैफिक सॉल्यूशन करना नहीं है, और टीआरबी की गैंग, वापिस से होम मिनिस्टर सी को कह रहा हूँ कि टीआरबी की जो विदाउट यूनिफॉर्म वाली गैंग है वो वापिस से सक्रिय हुई है। चार महीने इन लोगों ने हफ्ताखोरी बंद की है, सिर्फ चार महीने, चार महीने के बाद इन लोगों ने फिर से हफ्ताखोरी चालू की है। अभी मैं वापिस से डीसीपी श्री को फोन लगाता हूँ। हमारे डीसीपी है अमिताभ बेन वानानी, और इनको फोन लगा, अब उठाते हैं नहीं उठाते है, हम देखते हैं। ये रिंगिंग हो रहा है, क्या लगता है फोन उठाएंगे? कैसे उठाएंगे ना, चोली के पीछे क्या है सबको मालूम ही है कि ऑटो रिक्शा के अंदर क्या होता है, तो फोन कैसे उठाएंगे? मेरे को भी चालान बना के दे रहे, बिल्कुल हाजा पन्ना था, वाइट पत्ता। हाँ, इनको ये नहीं मुझे तो होम मिनिस्टर सी से एक सवाल है कि ये ऑटो रिक्शा दिए आपने इन सभी को, ये ऑटो रिक्शा में क्यों जाते हैं? सरकारी वाहन नहीं है इनके पास? इतने हमारे टैक्स के पैसों के करोड़ों के रुपए में के कैमरे लिए है, वो कभी इनके चालू नहीं होते, कभी इनको कैमरा लगाना नहीं है। दूसरा पीसीआर वाहन है हमारे करोड़ों के पैसे से, वो उनको उपयोग करनी नहीं है, और ऑटो रिक्शा में बैठ के हफ्ता वसूली करनी है। ऑटो रिक्शा में क्यों बैठते हैं वो भी बताता हूँ आपको। ऑटो रिक्शा के अंदर किसी भी को रोका जाए उसको बिठा लेते हैं, और फिर अंदर जो व्यवहार होता है वो बाहर से कभी किसी को दिखेगा नहीं, इसीलिए ऑटो रिक्शा में बिठाया जाता है। अभी हम ट्रैफिक कंट्रोल रूम में फोन करेंगे, रुकिए। चैन में सभी को फोन करते हैं। अभी ट्रैफिक हेल्पलाइन में हमने फोन किया है। अबे हम तो हमारे दररोज जवान हुए हैं, दररोज पैसा आप ही अपन कमाई को मैं आने जाए तो हाँ, यही प्रॉब्लम है बहन, यही प्रॉब्लम है कि गरीब 200-500 कमाता है और ये ले जाते हैं बेईमान साले। मैं आने आता जोड़ी करी कि तुम एकदम वरसाद पड़े धंधो नहीं मने जवाज मारे आया रूम से आया रहू से मारे 3 किलोमीटर आगु पड़े मतलब। अभी हम ट्रैफिक हेल्पलाइन में फोन लगा रहे हैं। ये ट्रैफिक हेल्पलाइन में नंबर लगाया, अभी नहीं लग रहा। हेलो, ट्रैफिक हेल्पलाइन जी, अभी हम गोड़ोदरा में है। हेलो, और गोड़ोदरा में यहाँ पे आप ट्रैफिक के 3 पुलिस कर्मचारी है, एक विमल भाई बाबरी, आपका नाम क्या है? एलआर निकुंज कंटारिया, और तीसरा आपका हेड कांस्टेबल कौन है? उनका नाम हेड कांस्टेबल विजय भाई। ये तीनों ऑटो रिक्शा के अंदर बैठे थे, इनके साथ 3-4 और टीआरबी थे जो यूनिफॉर्म में नहीं थे, और ये हफ्ता वसूली कर रहे थे। इनको हमने रंगे हाथे पकड़ा है यहाँ पे। ये गोड़ोदरा कौन सा एरिया है? सुमन रेसिडेंसी के पीछे। हेलो, हाँ, सुमन आवास के पीछे, सुमन आवास के पीछे, गोड़ोदरा डिमांड के पीछे। हेलो, ओके, डीमार्ट, 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 गोड़ोदरा, सूरत, किसी को भेजे यहाँ पे आपके सुपीरियर जो भी हो, एसीपी, डीसीपी, डीसीपी श्री को फोन ले किया है, उन्होंने फोन नहीं उठाया। हेलो, हाँ,
बेटियाबी दो एलआर और एक हेड कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल। आपके हेड कांस्टेबल कहाँ गए? ओके आप यहीं पे रहिए, आपकी कंप्लेन दी है वो आ रही है अभी, ठीक है? हाँ जी, ऑटो रिक्शा के अंदर बैठ के अंदर बैठ के हफ्ता वसूली कर रहे थे। हाँ क्या एडवोकेट मेहुल बोगरा, मनसुख भाई बोगरा। हाँ चलो कोई भेजिए वरना ये तो निकल जाएगा ना ऐसे तो यहाँ से। हाँ पैसा अरे बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे? आपसे पैसा लिया है तो बोलिए ना, बोलिए। ओके इनके गूगल पे आपको आपको पैसा डलवाया, इनके गूगल पे में पैसा डलवाते हैं ऑटो रिक्शा वाले का। आज पकड़ा, हाँ पैसा तो इनके पास से कैश करवाया बेचारा ने। टेम्पो चालक को रोका गया, उसके पास पैसा नहीं था तो किसी के पास से भी कैश करवाया और कैश करवा के इन लोगों को पैसा दिया। इतनी इनकी नफ़रत आई है, इतनी इनकी दादागिरी है। यूनिफॉर्म मिलते हैं हमारे प्रोटेक्शन के लिए और इनको हमारा प्रोटेक्शन ही नहीं करना है क्या? आपको आपको गालियां देते हैं क्या? नहीं नहीं वो सभी यहाँ पे ही रखिए। सुनिए किसी को शोर नहीं मचाना है, पहली बात। मैं हूँ तब तक, ठीक है? आप सब रुकिए, एक मिनट मैं कहता हूँ। सुनिए आपके डीसीपी को कंप्लेंट की है, आप यहाँ पे रुकिए। आप बैग लेके मत जाइए। सुनिए, आप सब मत रोकिए, ये बैग लेके फरार हो रहे हैं और मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप जहाँ पे भी जाएगा ना, गाड़ी निकालो हमारी, देखिए। सुनिए सुनो मेरी बात सुनो विमल भाई, ऐसा मत करो, भागो मत। मैंने कंप्लेन की है ना, तो आप खड़े रहिए, आपकी बैग कोई नहीं लेगा। मैंने कंप्लेन की है ना डीसीपी को। चलो आप खड़े रह जाए। कोई सुनिए भाई, सुनिए, सब शोर मत मचाइए प्लीज। अब सभी जाओ। हमने ट्रैफिक में कंप्लेन दी है और ये भाई जो है वो बैग लेके फरार हो रहे हैं। होम मिनिस्टर जी से विनंती है कि इनकी बैग की इंक्वायरी की जाए, इनके बैग की इंक्वायरी की जाए। ये लोग बैग में क्या रखते हैं कि इनको भागने की जरूरत पड़ती है? नहीं मुझे नहीं देखनी। मैंने कंप्लेन की है ना, आप पुलिस हो ना तो आप भागो मत। आप कंप्लेन की है तो उनको आने दो, ठीक है? मैंने कंप्लेन डाली है तो आने दो उनको, हमने कंप्लेन डाली है तो आप आने दो। वो इंक्वायरी करेगी आपकी, हम थोड़ी ना करेगी, आपके पुलिस में जो है वही इंक्वायरी करेगी आपसे। गाड़ी पकड़ी ने बोले गाड़ आप। सुनिए अभी हमने ट्रैफिक कंट्रोल रूम में कंप्लेन दी है, ट्रैफिक कंट्रोल रूम से कोई आएगा और इनकी इंक्वायरी करेगा। किसी को अभी जाना नहीं है भाई, आप इंचार्ज है ना, मुझे सुनिए भाई, सुनिए सर। मैंने ट्रैफिक कंट्रोल रूम में कंप्लेन दी है तो इन सबको बोलिए यहाँ पे रहे, ठीक है? और अभी पुलिस आएगी, उनको आप जवाब दे देना, मुझे तो नहीं दे रहे हो, उनको दे देना। और पब्लिक को विनती है, सब साइड में हो जाए ना मेरे भाई।
मुझ पर भरोसा रखिए, ठीक है। अब साइड में आ जाइए सब। सुनिए, डीजीपी श्री गुजरात, होम मिनिस्टर श्री, सबको ये विनती है कि अगर जनता में इतना आक्रोश है, जनता सब कुछ जानती है, तो आप क्यों नहीं जान रहे? पहले आपने एक परिपत्र बाहर पाड़ा, बहुत अच्छी बात है, डिक्लेयर किया कि भाई पुलिस कर्मचारी पहले कानून का पालन करिए, फिर लोगों के पास कानून का पालन कराइए, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें भी एक परिपत्र बाहर पाड़ना चाहिए ना कि ये जो हफ्ताखोरी चला रहे, जो बेमानी चला रहे, अगर बेमानी करते ऑटो रिक्शा में पकड़े गए तो डिसमिस करके घर पे बिठा देंगे। इतना भरोसा हमको आप पे है कि आप ऐसा कुछ डिक्लेरेशन बाहर पाड़िए कि इन लोगों को अगर बेमानी करते हुए ऑटो रिक्शा में देखा जाए तो इनको घर पे बिठा दिया जाए, तो इन लोगों में डर बैठेगा। वैसे डर नहीं बैठेगा। इनको हमने पूछा कि ऑटो रिक्शा में क्यों बैठे हो, तो इनके पास कोई आंसर नहीं था। वो तो ऐसी बात हो गई, हाँ वो तो ऐसी बात हो गई कि हमको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई, पहले अब हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो, लेकिन माफी यहाँ पे नहीं मिलती, आपके ऊपर एक्शन ही होगा। कंट्रोल रूम में फोन किया है, अभी तक कोई नहीं आया। एक बार वापिस से हम डीसीपी श्री को फोन करेंगे। ये तीसरा फोन हमारा डीसीपी श्री को जा रहा है, देखते हैं उठाते हैं कि नहीं उठाते। ये तीसरा फोन जा रहा है डीसीपी श्री अमिताभ बेन वानानी, अमिता मैडम को तीसरा फोन जा रहा है, और देखते हैं उठाते हैं कि नहीं उठाते। ये हमारे ट्रैफिक डीसीपी है और इनके अंडर में ही ये सब काम करते हैं, तो इनकी एक जवाबदेही है कि ये क्या चल रहा है, इनके ऊपर कार्यवाही की जाए, लेकिन इनको तो फोन भी नहीं उठाना, तो फिर कार्यवाही का तो क्या क्वेश्चन आता है। इनके एसीपी है परमार श्री, इनके असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक रीजन 1 एसीपी श्री परमार, एसीपी श्री शर्मा परमार, ये लाइव देख रहे होगे, अभी अपने फोन में चालू करके देखा होगा कि मेहुल बोगरा आया है, लेकिन यहाँ पे आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि सबकी मलाई एक साथ होती है, सबकी भाग बटाई एक साथ होती है। मिले सुर हमारा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। ये सभी का ऐसे चलता है, और हमको तो पता नहीं कि आप वहाँ पे कचहरी में बैठ के क्या चलाते हो। कान खोल के सुन लीजिए, एक रिक्वेस्ट भी है, एक वार्निंग भी है, अगर हफ्ताखोरी चलानी है ना, तो मेहुल बोगरा जब तक जिंदा है ना, आपकी हफ्ताखोरी नहीं चलने देगा। एडी चोटी का जोर लगा लो, तुम्हारे खाते के अंदर जो नैतिक और ईमानदार पुलिस वाले है ना, वही तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मुझे देते है। कितनी अलग 15 टीम किस किस जगह पे काम करती है ना ये ऑटो रिक्शा लेके, वो भी मुझे मालूम है। अपना धंधा बंद कर देना, अगर नहीं बंद किया ना तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है बंद करना करवाना, और चाहे मुझे कोई सपोर्ट करे या ना करे, हम करेंगे। ये जो जितना जितनी जनता है ना, वो मेरे साथ है, और वही मेरी पावर है, वही मेरी वॉइस है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर से मुझे सपोर्ट मिले या ना मिले। मेरी रिक्वेस्ट है कि हफ्ताखोरी अगर मैं देख सकता हूँ ना, तो आप भी आंख खोल के ये हफ्ताखोरी देखिए। ऐसी वीडियो देखकर कि ठीक है चलो चलता है, गरीबों के पास से 200-500 ले लिया, आपको 200-500 की कीमत नहीं होगी। ये जो 1000 कमाते है ना, उनके पास से उनको पूछिए कि 200-500 की कीमत क्या होती है, वो आपको बताएगी कि 200-500 की क्या कीमत होती है। इसीलिए ये हफ्ताखोरी बंद कर दीजिए। फिर से निवेदन है, फिर से रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर कार्यवाही की जाए। जनता का पैसा हराम का नहीं है। ओ, सही है। हराम का पैसा मत लीजिए, हराम का पैसा लेके क्या करोगे है? ये जो टेम्पा वाला 1000 रुपया कमाते है, उसके पास से 200 लेके तुम रात को चैन से सो पाओगे? नहीं सो पाओगे। ये वो पैसा आपके और आपके बच्चों सभी को वो हानि पहुंचाएगा, इतना याद रखिएगा। 11,000 लोग लाइव देख रहे हैं,
और 11,000 लोग लाइव देख रहे हैं। शेयर करे ना करे, कमेंट करे ना करे, मुझसे फर्क नहीं पड़ता। एक रिक्वेस्ट है कि लाइव देख रहे हैं ना, तो जहाँ भी आपके एरिया में ऐसे ऑटो रिक्शा लेके हफ्ताखोरी चलती है ना, तो हर जगह पे मेहुल बोगरा नहीं पहुंच पाएगा। आपको लाइव करना है, आपको वीडियो भेजना है, एक्शन मैं करवाऊंगा उसके ऊपर। तो आपको कार्यवाही करनी है, सबको जागरूक होना है। तो अभी ये बेईमानों है ना, उनको बेईमानी का धंधा बंद होगा। हमने कंप्लेन दिए, कितने टाइम में वो लोग आते हैं वो देखते हैं। अभी कोई आया ट्रैफिक कंट्रोल में से? कितने मिनट से हम लाइव है? आधा घंटा से हम लाइव है, और आधा घंटे से यहाँ पे कोई नहीं आया। अभी गरीब जनता का कुछ हुआ रहता तो जिप्सी लग जाता। अरे तो पीसीआर लेके आपको ले भी गए होंगे, और अभी तक सर्विस भी हो गई होगी। अगर गरीब लोग आवाज उठाते हैं तो उनकी सर्विस हो जाती है पुलिस स्टेशन में, अब तक आधे घंटे में FIR भी दर्ज हो जाती है। लेकिन इनका कुछ नहीं हो रहा। फिर से हम ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर में फोन कर रहे हैं। देखिए, व्यस्त वो तीनों क्या गए? भागे नहीं है ना, बस भागना नहीं चाहिए कोई। इधर अड्डा चलता है, उधर जिप्सी फिरता है, एक रुपया नहीं लेगा। और आज तो इतना गरीब लोगों का लड़े, और जिप्सी किसी बहन बेटी को कोई दिक्कत हो वो नहीं, उनको टेंशन है। अड्डा चलता है, जिप्सी वहाँ से घुमाएगा। पुलिस का काम है जनता को प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्शन देना, और उनको प्रोटेक्शन नहीं करना है, उसके अलावा पैसों में इंटरेस्ट है। किसी को भी प्रोटेक्शन करने में इंटरेस्ट नहीं है। जनता जाए भाड़ में, किसी को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे दारू का अड्डा चलता है वो बंद करवाने कोई नहीं जाएगा, लेकिन ऑटो रिक्शा लेके खड़े रह जाएंगे हफ्ता वसूली करने के लिए। पैसा चाहिए। गरीब लोगों ने इधर घर लिया है। अभी ट्रैफिक हेल्पलाइन में फिर से फोन किया। हेलो, जय हिंद, एडवोकेट मेहुल बोगरा। अभी तक यहाँ पे कोई आया नहीं है। ओके, कितना टाइम लगेगा? 23 एक नंबर लिखिए। 23654917917। ओके, इसमें फोन कर रहे हैं, नंबर डायल करो 23654917। इनको छोड़ना नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, ऐसा नंबर दिया। अभी फोन नहीं लग रहा। 23654917। अभी ACP परमार का अगर फोन नंबर है मेरे पास तो उनको फोन करते हैं डायरेक्ट, और इनको इस जगह पे ही बुलाते हैं। हेलो, 23654 बाद में 1717। ओके ओके, उन्होंने गलत नंबर दिया था, वापस से फोन किया और करेक्ट करवाया है। अभी नंबर डायल करते हैं 23654917। अभी फोन किया है SCP ऑफिस में। एडवोकेट मेहुल बोगरा बात कर रहा हूँ। जान किसको 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 आप बताएंगे? SCP साहब को आप खबर करेंगे? और यहाँ पे कोई आएगा तो मुझे पता चले, मुझे यहाँ पे रहना है कि फिर ऐसे ही चलता है? यहाँ पे कोई आएगा कि नहीं आएगा? ओके देखो एक कैसे चलता है। अभी हम पसेनी से लथपथ हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आया। वो AC की ऑफिस में, हमारे टैक्स की पैसों की ऑफिस में AC की हवा खा रहे होगे, और हम टैक्स देते हो और ऐसे पसीने से लथपथ है। देखिए कैसी सिस्टम चलती है। इतने लोग हैं यहाँ पे, इतने लोग, सभी लोग परेशान हो रहे हैं, सभी लोग वेट कर रहे हैं कि इनको इंसाफ मिलेगा यहाँ पे। लेकिन इंसाफ देने कोई आए तो इंसाफ मिले ना, इंसाफ देने कोई आए तो। एक बात बहुत अच्छी है,
इतने सारे लोग लाइव देखकर आ गए यहाँ पे, लेकिन जो इनके पुलिस कर्मचारी है जिनके ऊपरी है उन्होंने तो लाइव देखा ही नहीं होगा। नेट तो वहाँ पे बहुत अच्छा आएगा ना, हमारा टैक्स के पैसों से लगता है, तो फिर क्या वाला काम फास्ट करेगा, गाड़ी पड़ेगी तुरंत ले जाएगी, तुरंत उठा लेगा, बहुत टाइम लगा देगा। चलो अमिता डीसीपी श्री अमिता बेन बोलती है पब्लिक माना नहीं, कहीं कोई मीटिंग में होगी, आधे घंटे से फोन नहीं उठाया है, अभी पांचवी बार फोन कर रहे है, और जब तक फोन नहीं उठाएंगे ना हम फोन करेंगे। मैं कह देता हूँ लाइव में से देख रहे होगे, मुझे पता है कि जब तक फोन नहीं उठेगा ना तब तक मैं फोन करूंगा। मुझे सॉल्यूशन चाहिए, ये हफ्ता सिस्टम की सॉल्यूशन चाहिए, और सॉल्यूशन एक ही है कि हफ्ताखोरी बंद कर दो। ये हफ्ताखोरी कितने लोगों को परेशान करती है बताए, कि सूरत में हैवी व्हीकल ओवरलोड में चलते हैं, अगर 1000-2000 दे दिया ना तो फिर वो वाहन को रोका नहीं जाएगा, फिर कोई कुचल के भी मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर कोई हफ्ता नहीं दे रहा सभी कानून का पालन करता है तो उनका टेम्पो रोका जाएगा और डिटेन कर लिया जाएगा। अगर सूरत में तुमको टेम्पो चलाना है तो हफ्ता देना ही है, और हफ्ता देने के बाद पीयूसी नहीं है चलेगा, बीमा नहीं है चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन हफ्ता देना है। नहीं वो ट्रैफिक में नहीं आते भाई। मेहुल भाई जिंदाबाद, मेहुल भाई जिंदाबाद, मेहुल भाई जिंदाबाद। सुनिए अब हमें तुम्हारी हकीकत, अब हम फोन लगा रहे सूरत कमिश्नर श्री को, देखते हो फोन उठाते कि नहीं उठाते। अभी हम फोन लगा रहे कमिश्नर श्री सूरत को, सीपी सूरत। अभी सीपी सूरत को फोन लगाए, कमिश्नर है हमारे सूरत के, उनको फोन लगा रहे, अजय कुमार सर तोमर, ठीक है उनको फोन लगाया। ए सभी साइलेंट, आवाज करो मैं कोई। सीपी अजय कुमार तोमर को फोन लगाया, रिंग जा रही है। और ये रिंग खत्म हो गई, लेकिन फोन उठाया नहीं। सुनिए ये सिस्टम कैसे काम करती है, कमिश्नर को फोन किया नहीं आए, डीसीपी को फोन किया नहीं उठाया, सीपी को फोन किया नहीं उठाया, ट्रैफिक कंट्रोल में जो कंट्रोल नंबर है उस पे कंप्लेन किया, वहां से आधा घंटा हुआ कोई नहीं आया, क्यों नहीं आ रहे मुझे एक रीजन दे दीजिए, कुछ गलत काम हो रहा है। अगर पब्लिक आपको फोन करेगी तो पब्लिक मर जाएगी, उनके ऊपर उल्टी कार्यवाही हो जाएगी, उनको पुलिस थाने ले जाएगा, उनको मारा जाएगा, तभी भी आप फोन नहीं उठाएंगे। जाए जनता के लिए आपने ये सब नंबर रखे हुए है, तो जाए जनता आपको फोन करे तो फोन भी नहीं उठाना है। किसी को भी फोन कर लो कोई फोन नहीं उठाएगा। और एक बात भी बता दूं, ये सभी जो है ना ये हफ्ताखोरी चलाते हैं, उन लोगों ने प्लानिंग किया है, अभी मेहुल बोगरा किसी लाइव में आया ना तो गाड़ी से उड़ा देना है, तो अभी खड़ा ही हूँ, लेकिन एकला अकेला नहीं खड़ा हूँ, इतने लोग सामने खड़े हैं, तो कैसे उड़ाओगे मेरे भाई? अरे मेरा भाई वो यूपी पार्सिंग वाला जो तुमने वो ट्रक लिया है पांडेसरा डिंडोली में, वो यहाँ पे ले आओ घोड़ाद्रा में, घुमा लो, अगर हो सके तो उड़ा दो, छोटा वाला, छोटा वाला। ये नहीं होगा, और जिंदा हूँ ना तब तक आपको छोड़ूंगा नहीं। कोई आया कि नहीं आया? चलिए, इतना टाइम से हम लाइव करके खड़े हैं, कोई नहीं आया, क्यों नहीं आया बताए? क्योंकि लाइव चालू है, अब ये लाइव बंद होगा ना तो आएगी, कब आएंगे हम यहाँ से चले जाएगा ना तब, और क्यों आएंगे? ये जो हफ्ताखोरी का सामान है ना, जिसमें बुक में एंट्री होती है कि इस ऑटो का, इस टेम्पो का ईएमआई आ गया, हफ्ता आ गया है, तो वो सब वो ठिकाने लगाने के लिए आएंगे और बुक लेके चले जाएंगे, तो ठिकाने लग गया तो फिर कुछ कार्यवाही हो तो फिर हमको दिक्कत ना हो, इसीलिए कह रहा हूँ कि स्टेट लेवल की मैटर है। मुझे बताए होम मिनिस्टर स्टेट लेवल की मैटर अटेंड कर रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम भी नहीं है, आप राज्य पे ध्यान दीजिए, गली मोहल्ले में हम ध्यान दे देंगे,
लेकिन हम ध्यान दे रहे, हम आपके सामने कुछ बात ला रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्यवाही तो कीजिए। होम मिनिस्टर जी से मेरी नम्र अर्ज है, मुझे ACP कौन कार्यवाही क्या करेगा और मुझे मुझे बताए उसमें क्या कार्यवाही, एक ही थाली के चट्टे बट्टे कोई कार्यवाही नहीं करने वाले। होम मिनिस्टर जी से विनंती है कि इसके ऊपर खास कार्यवाही की जाए, ये टीम जो वापस से एक्टिव है उसको बंद की जाए। आपको मैं कंप्लेन लिखित में भेज दूंगा, उनके ऊपर कार्यवाही कीजिए और बेईमानों का धंधा बंद करवाए, ऐसी विनती है। जय हिंद जय संविधान, धन्यवाद। और आप सभी से एक विनती है, आप सभी से जैसे भी यहाँ पे कोई भी हफ्ता कोई कभी भी चले ना ये घोड़ाधरा विस्तार में आपके, तो इसको वीडियो बनाना है और वीडियो बना के मुझे भेज देना, फिर मैं हूँ और ये बेमान लोगे, ठीक है करोगे ना? जिंदाबाद मेहुल भाई, जिंदाबाद भारत माता की, भारत माता की। खूब खूब आभार।